इंसान के अलावा पृथ्वी को जो एक बड़े स्तर पे खतरा है वो ये कि किसी भी क्षण आके एक उपग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है। तो इस नए साल में पृथ्वी को इस विध्वंस से बचाने के लिए नासा एक प्रैक्टिस मिशन कर रहा है। वो लगभग आधे टन का फ्रिज जितने साइज का एक अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे। ये अंतरिक्ष यान जाके एक उपग्रह से टकराएगा। इस टकराव की वजह से इस उपग्रह की गति आधे मिलीमीटर प्रति सेकंड से भी कम घट जाएगी। अब गति घटने की वजह से इसके जो परिक्रमा पथ है उसमें मामूली सा फर्क आएगा, पर ये मामूली सा फर्क इसकी हजारों मील के सफर में इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अगर पृथ्वी से टकराने वाला होता तो अब साइड से होके निकल जाता। तो इस नए साल में नासा तो पृथ्वी का भविष्य बाहरी खतरों से सुरक्षित करना चाहता है और हम पृथ्वी का भविष्य भीतरी खतरों से सुरक्षित करना चाहते हैं। नासा इसके लिए उपग्रह की गति कम करना चाहता है और हम चाहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ता है तो आप उसको करना कम करिए, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना या मीट खाना या डेयरी खाना। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है या पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ता है पर आप उसे करना बंद नहीं कर सकते, तो आप कम से कम हफ्ते में वो एक दिन मत करिए।